नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मंदसौर जिला कलेक्टर ने किया दूधाखेड़ी माता के दर्शन। दूधाखेड़ी में कई कार्यों का किया निरीक्षण। पाली आयुर्वेदिक विभाग वार्ड स्तर पर काढ़ा पिलाने का काम किया प्रारंभ। स्वाइन फ्लू को काबू करने का कर रहे हैं प्रयास। पाली विवेकानंद जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। डिगे एकल नृत्य प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मकर संक्रांति के अवसर पर हो रहा है आयोजन। पीड़ावा गरीब महिलाओं को किए वस्त्र वितरित। सूरजकुंड महादेव मंदिर पर हुआ आयोजन। भवानी मंडी सिख समाज ने मनाया लोहड़ी पर्व। सिख समाज ने लोगों ने की अग्नि की परिक्रमा। भवानी मंडी में भी मनाई मकर संक्रांति। लोगों ने किए दान पुण्य। भवानी मंडी में मरीजों ने किया डॉक्टरों का सम्मान। शल्य चिकित्सकों ने किया संतोषजनक कार्य। और अब डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। क्षेत्र के प्रसिद्ध आरोग्य धाम आस्था केंद्र मां दूधाखेड़ी धाम मंदिर पर शनिवार शाम 5 बजे नवांगत जिला कलेक्टर धनुराज एस ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर अपना प्रथम निरीक्षण कर मंदिर व्यवस्था एवं मंदिर नवीन निर्माण का करीब से जायजा लिया। अधिक जानकारी देते हुए मंदिर कर्मचारी पंडित ब्रजेश शर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम मंदिर पहुंचकर जिला कलेक्टर धनुराज एस ने मौजूद समस्त अधिकारियों के साथ श्री दूधाखेड़ी माता के दर्शन लाभ लेकर मंदिर में इतिहास की जानकारी ली। उपरांत बाद नवीन मंदिर निर्माण स्थल पहुंचे, जहां अपने अभी तक के किए गए कार्य की प्रगति का जायजा लेकर पिछले कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित मास्टर प्लान नक्शे को देखा। साथ ही निर्माण से जुड़े संबंधित विभागों के प्रमुखों के आगामी कार्य योजना के विषय में सवाल जवाब किए। निर्माण कार्य को लेकर आपने आवश्यक निर्देश के साथ मौजूद अधिकारियों और निर्माण कंपनी के कर्मचारियों को प्रदान किए हुए मरीजों के भोजन व्यवस्था एवं संचालित भोजन भंडारे का भी आपने निरीक्षण कर जानकारी लेकर उचित व्यवस्था और निर्देश दिए। मंदिर से जुड़े समस्त महत्वपूर्ण विस्तृत प्रस्ताव हेतु आगामी दिनों में मंदिर समिति की बैठक के सहमति आज से निरीक्षण में दी गई। शनिवार को हुई निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आदित्य सिंह SDS करोड़, श्री अनुकूल जैन तहसीलदार, श्री नारायण जी नांदेड़ा PIUEE, श्री श्री वास्तव PHA सहायक यंत्री के भंडारी, ग्राम पटवारी जगदीश बामनिया, थाना बानपुरा बेट प्रभारी ASI के चौधरी, मंदिर पुजारी घनश्याम नाथ, रतन नाथ, शास्त्री पप्पू नाथ, आत्मराम योगी, मंदिर लेखपाल नरेंद्र शर्मा, मंदिर निर्माण सुपरविजन आदि लोग मौजूद थे। पाली शहर में तेजी से फैल रहे स्वाइन फ्लू पर काबू पाने के लिए आयुर्वेद विभाग ने भी वार्ड स्तर पर काढ़ा पिलाने के कैंप प्रारंभ कर दिए हैं। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी शिव कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से स्वाइन फ्लू ने पाली शहर में अपनी गिरफ्त में लिया है, उसे लेकर चिकित्सा विभाग के साथ साथ आयुर्वेदिक विभाग ने भी चुनौती के रूप में लेकर पाली शहर के वार्ड स्तर पर काढ़ा पिलाने के लिए कैंप लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते अब तक 1 लाख से अधिक लोगों ने काढ़ा पिला दिया गया है, ताकि लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। इसी को लेकर आज कलेक्टर परिसर में भी तमाम कर्मचारियों तथा यहां आने वाले लोगों के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से भाग लिया। स्वाइन फ्लू अभी एक महामारी के रूप में फैल रहा है, इसके बचाव के लिए स्काउट परिवार ने आयुर्वेद राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग चिकित्सा विभाग के साथ में मिलकर के काढ़ा पिलाने का अभियान शुरू किया है और उसका काढ़ा पिलाने का जिम्मा लिया है। अभी तक हम जगह जगह पर वहीं काढ़ा बना करके पिलाने का कार्य कर रहे हैं और सरकार के लिए या आमजन के लिए जो भी है, हम काढ़ा पिला करके स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए उपाय कर रहे हैं।
पाली विवेकानंद जयंती पखवाड़े के तहत विद्यार्थी परिषद पाली की ओर से सोमवार को शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें परिषद के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विद्यार्थी परिषद की ओर से पाली शहर में विवेकानंद जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे पखवाड़े में कई कार्यक्रम आयोजित किए। पखवाड़े के तहत सोमवार को विवेकानंद सर्कल से शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा में परिषद के कार्यकर्ताओं शैक्षणिक स्तर सुधारने को लेकर प्रचार प्रसार सामग्री बांटते हुए चल रहे थे। हर वर्ष की भांति मकर संक्रांति के अवसर पर श्री मित्र भारत समाज जन संस्था द्वारा कस्बे में राजपूताना मैरिज होम में एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डीग उपखंड के विभिन्न गांवों में शहर के 14 वर्ष आयु के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान संस्था के संस्थापक भगवत कटार ने बताया कि यह प्रतियोगिता वे हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर करते आ रहे हैं। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में छिपी प्रतियोगिता का बाहर निकलने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होती हो रही है, इस तरह इस वर्ष भी 76 प्रतियोगी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल SP महेश मीणा में कार्यक्रम संयोजक मुकेश राजपूत सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। एक दुल्हन चुल्हन के माझे की बिंदिया, समझ सको तो समझो दिल भर जानी। पड़ाव में सोमवार को सूरज कुंड महादेव मंदिर पर मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिर समिति की ओर से गरीब महिलाओं को वस्त्र वितरित किए गए। मंदिर समिति सचिव देवेंद्र गंधर्व ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर समिति के द्वारा ध्वजा पूजन के बाद मंदिर में शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद मंदिर समिति की ओर से कस्बे की 51 गरीब महिलाओं को वस्त्र दान किए गए। इस अवसर पर पिड़ावा CI हेमंत गौतम, कांस्टेबल राजीव शर्मा, सूरज कुंड सेवा समिति अध्यक्ष सुनील शर्मा, संरक्षक पंकज शर्मा, सचिन देवेंद्र गंधर्व, कोषाध्यक्ष रवि शर्मा, गोपाल रामगोपाल सुमन, बद्रीलाल मेघवाल, वशिष्ठ विशाल शर्मा, विशाल गुप्ता, शैलेंद्र भावसर आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी की सूर्य की आराधना का पर्व मकर संक्रांति क्षेत्र भर में परंपरागत रूप से मनाया गया। सुबह होने के साथ ही मकर संक्रांति की राम राम का दौर शुरू हो गया। मंदिर हो या फिर घर, हर तरफ धार्मिक माहौल नजर आया। सवेरे जल्दी स्नान कर मंदिर में भगवान के दर्शन को पहुंचने, जहां श्रद्धालुओं ने मंदिर में तिल, खिचड़ी, गुड़ सहित अन्य वस्तुओं का दान किया। शहर में मकर संक्रांति के महापर्व सोमवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में कई युवाओं ने छतों पर DJ एवं साउंड स्पीकर लगाकर पतंग काटते ही ये काटा वो काटा के गूंज शहर में गुनगुनाते रहे। सुबह से ही बच्चों और युवा अपनी छतों पर पहुंचे और DJ की धूम पर बच्चे और महिला पुरुषों छतों पर नाचते गाते नजर दिखाई दिए। छतों पर बच्चे दिन भर पतंग उड़ाते दिखाई दिए और पतंगों की दुकानों पर भी काफी भीड़ देखने को मिली। छतों पर से तरह तरह की आवाजें सुनने को मिली, काटा है वो काटा है आदि इस तरह की आवाजें सुनने को मिली। इससे पूर्व शुक्रवार की शाम को हर पतंग की दुकान पर भीड़ देखने को मिली। युवा वर्ग व बच्चे पतंग का मजा खरीदने दिखाई देते हुए नजर आए। भवानी मंडी सिख व सिंधी समाज के लोगों द्वारा रविवार को रात गुरुवार को सामने लोहड़ी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने खासी तैयारियां की, गुरुद्वारे के सामने आग जलाकर उसके चारों ओर परिक्रमा की। समाज के लोगों ने बताया कि इससे पिछले सारे पाप धुल जाते हैं। लोहड़ी पर्व नवविवाहताओं के लिए खास महत्व होता है। लोहड़ी में तिल, रेवड़ी व गुड़ व मूंगफली आदि मिलाकर डालते हैं। लोहड़ी के चारों ओर परिक्रमा लगाई, जिसमें से जैसे जैसे तिल जलते हैं वैसे वैसे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म धुल जाते हैं। इस दौरान समाज के युवाओं ने ढोल व भांगड़ा भी गिद्ध नृत्य किया। इस दौरान समाज के युवाओं ने आतिशबाजी की।
महानी मंडी पुलिस ने चाइना मांझे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दुकानदार को गिरफ्तार कर 10 रोल बरामद किए। पुलिस ने बताया कि गणेश मंदिर के पास मध्य प्रदेश के भानपुरा निवासी उमेश राठौर पुत्र रमेश चंद तेली की प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचते हुए गिरफ्तार कर उसके पास से 10 चाइनीज मांझे के रोल बरामद किए। इसके चलते पुलिस ने धारा 183/336 भारतीय संहिता दंड में कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुर्वेद विभाग विशिष्ट संगठन योजना के तहत 10 दिवसीय शार शूत्र शल्य चिकित्सक शिविर के दौरान सोमवार को मरीजों ने चिकित्सकों व स्टाफ का सम्मान किया। शिविर के समापन एवं एक दिन पूर्व ही मरीजों उनके परिजनों ने शिविर में सहयोग देने वाले चिकित्सकों व स्टाफ के 29 जनों का माला व साफा पहनाकर शील व प्रशासनिक पत्र देकर सम्मान किया व स्वागत किया। डॉक्टर ब्रजेश शर्मा, शिविर प्रभारी रविंद्र सिंह जादव, दिनेश शर्मा, बीएल बैरवा, अनिता मीणा, सोनिका मीणा आदि चिकित्सकों का राजेंद्र संघी, प्रकाश जायसवाल, राजेंद्र शर्मा सहित 63 मरीजों ने सम्मान किया। वहीं रविवार को युवा विकास समिति के द्वारा मरीजों को फल व दुग्ध वितरण किए गए। इस दौरान संदीप प्रजापति, कैलाश राणावत, मयूर यादव, अर्पित जैन, नईम आदि थे। इधर देखिए साहब, इधर आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।